हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट्स, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है वो दो कोएक्सियल सिलेंडर से मिला के बना होता है। यह है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें आपके पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर ये है और एक बड़ा सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों की एक्सिस सेम है। हम मान लेते हैं कि छोटे सिलेंडर की रेडियस है ए और इस बड़े सिलेंडर की रेडियस है बी, और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा इनर सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इंडक्शन के कारण आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस को हम अर्थ कर देंगे। अर्थ करने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था आउटर सरफेस पर, वो अर्थ पर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ईच ऑफ लेंथ एल। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो सेम एक्सिस वाले दो सिलेंडर से मिला के बना होता है। एक छोटा सिलेंडर होता है और एक बड़ा सिलेंडर होता है, और इन दोनों की लेंथ जो है वो हमने एल अज्यूम की है। लेट ए एंड बी बी द रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि जो हमारा इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस ए है और जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस बी है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम मान लेते हैं कि हमने इस इनर सिलेंडर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से इंडक्शन के कारण आउटर सिलेंडर के इस सरफेस पर इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सिलेंडर के बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट हमने बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से अर्थ हो जाएगा। अब हमने इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो वो हम तीन स्टेप्स में फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर इस स्पेस में, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आउटर एंड इनर सिलेंडर के बीच में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक गॉसियन सरफेस एनक्लोज करना होगा। गॉसियन सरफेस आप एक कंसीडर करेंगे यहाँ पर, जो कि एक इमेजिनरी सिलेंडर की फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे। इसको आप डॉटेड कर देंगे, इस इमेजिनरी सिलेंडर को, ये इमेजिनरी सिलेंडर, ये डॉटेड सिलेंडर जो है वो गॉसियन सरफेस का काम करेगा। ये हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, जो कि एक इमेजिनरी सिलेंडर की फॉर्म में होगा। तो आप लिखेंगे कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एज गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा जो डॉटेड सर्कल है, इमेजिनरी सिलेंडर जो है, वो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस का काम करेगा, और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस होगी, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल r, और इस गॉसियन सरफेस की, इस इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ भी हमने स्मॉल l ही रखी है।
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस इज गिवन बाय, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये गॉशियन सरफेस जो है वो प्लस क्यू चार्ज जो है वो एनक्लोज कर रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस गॉशियन सरफेस में मींस इस इमेजिनरी सरफेस में इंक्लूड हो रहा है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस इमेजिनरी सिलेंडर मींस गॉशियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर वन तक पहुंच चुके थे जो कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा था थ्रू दिस गॉशियन सरफेस मींस दैट इमेजिनरी डॉटेड सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर ds क्या है, ds है इस गॉशियन सरफेस पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये होगा हमारा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा n कैप वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो हमारे पास E वेक्टर एंड जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की है स्मॉल एरिया एलिमेंट पर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मींस इनके बीच में एंगल जीरो है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा E ds cos 0 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 0 हमारे पास होता है 1, E को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ds q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, ds हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया था ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस डॉटेड सिलेंडर, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई r इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इमेजिनरी सिलेंडर की l, q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो e की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास q बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। बट स्टूडेंट्स हमें एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन, बट एस ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस डी वी बाय डी आर, तो यहां से अगर हम डी वी की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी माइनस ई डी आर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली, तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 3 वी गेट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू पुट कर दो ये वाली q बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी आर ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट डी आर, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए आउटर सिलेंडर की रेडियस है बी, इनर सिलेंडर की रेडियस है ए, तो हम लिमिट्स लेंगे यहाँ पर बी टू ए, आउटर सिलेंडर की रेडियस ऊपर आएगी आपके पास इनर सिलेंडर की रेडियस ए, तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर ले लेते हैं, क्यू कांस्टेंट है 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लिमिट्स हैं यहां पर बी टू ए, तो ये माइनस साइन हटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं ये लिमिट जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो माइनस साइन आगे आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वी इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन की अब लिमिट्स हो जाएंगी यहां पर ए टू बी डी आर बाय आर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है नेचुरल लॉग x, तो 1/r का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा नेचुरल लॉग r और लिमिट्स आ जाएंगी यहां पर a टू b, पहले हम r की जगह b पुट करेंगे नेचुरल लॉग b, फिर माइनस r की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे नेचुरल लॉग a, नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a का प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नेचुरल लॉग b अपॉन a, तो ये
प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी नेचुरल लॉग की, तो हमारे पास वी आ गया हमारे पास क्यू बाय टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग बी बाय ए, हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होती है, वो होती है हमारे पास चार्ज स्टोर डिवाइड बाय पोटेंशियल क्यू बाय वी, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे, यूजिंग फोर इन फाइव वी गेट सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू, ये पूरी की पूरी आपको पुट करनी होगी, क्यू बाय टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट और साथ में है आपके पास ब्रैकेट में नेचुरल लॉग बी अपॉन ए, तो ये टर्म जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो ये आ गया आपके पास सी टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट और क्यू से क्यू आप कैंसिल कर दीजिए और नीचे आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग बी बाय ए। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यहाँ तक आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर।